आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 ML अग्रवाल क्लास 8 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज डिफर बाय 3। टू डिजिट नंबर का एक नंबर है, उसके डिजिट के जो डिफरेंस है वो 3 है दोनों डिजिट्स के बीच का। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर उसको इंटरचेंज कर दिया जाता है, सपोज 56 है उसको 65 कर दिया जाता है, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल, और पहले वाले में उसको ऐड कर दिया जाता है, वी गेट 143। तो उसका सम 143 आ रहा है। व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर, तो हमें ओरिजिनल नंबर बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लेट द ओरिजिनल नंबर बी एक्स। ओरिजिनल नंबर अगर एक्स है, ठीक है ना, तो यहां पर ओरिजिनल नंबर अगर एक्स हो गया और डिफरेंस जो है वो दोनों नंबर्स का जो है वो 3 है, तो अदर नंबर कौन सा हो गया, अदर मतलब ओरिजिनल नंबर में डिजिट आप मान लीजिए एक्स, तो दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस 3। अगर उनकी जो है वो डिजिट का डिफरेंस 3 दिया हुआ है और एक डिजिट एक्स है तो दूसरी एक्स माइनस 3 आएगी, ठीक है। और ठीक है, अब यहां पर जो है वो इसको हम लिखते हैं नंबर के हिसाब से x प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है, ये वंस प्लेस होती है, ये टेंस प्लेस होती है, ठीक है। टेंस वाले को टेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वंस वाले को वन से, ये हो जाएगा 10x प्लस 1x माइनस 13 या 3, जो हमें देगा 10x प्लस 1x का मतलब 11x माइनस 3, ठीक है। तो ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद जो है वो हम इसे इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज करके हम x माइनस 3 इधर लिख देंगे और x इधर लिख देंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 1 से करेंगे, तो क्या मिलेगा 10x माइनस 30 प्लस 1x, ये हो जाएगा हमारा 11x माइनस 30, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब ऐड कर देंगे दोनों को, एडिंग बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, हमें क्या मिलेगा 11x माइनस 3 प्लस 11x माइनस 30 इक्वल टू 143, क्योंकि जब हम दोनों को जोड़ रहे हैं इंटरचेंज करने के बाद तो हमारे पास 143 आ रहा है। ये हो जाएगा 11 और 11 22x, और ये माइनस 3 और माइनस 3 माइनस का 33, उधर जाकर प्लस का 33 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 143 प्लस 33, ये हो जाएगा 22x इक्वल टू 176, जो हमें देगा x इक्वल टू 176 बाई 22। 211 जा 28 जा 28 जा 11 वन जा 11 एट जा, x की वैल्यू जो आई वो 8 आई, ठीक है। और नंबर क्या माना था हमने, यहां पर डिजिट मानी थी 8, तो ये तो आ गया हमारा 8। दूसरा था 8 माइनस 3, यानी x माइनस 3 को 8 माइनस 3 करेंगे तो वो आ जाएगा 5, यानी कि नंबर था 85, ठीक है। जब हमने इसको इंटरचेंज करा ये हो गया 58, और जब हमने इन दोनों को प्लस करा तो इनका आंसर आ गया 143, 8513 एंड 140। तो इस तरीके से जो है वो इसका ये आंसर निकल कर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 पूरा। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।